रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बार फिर बाबू के बच्चों की खुशी, किलकारी और बाघों का कुनबा बढ़ने के साथ नए शासकों ने दस्तक दी है। यहां बाघिन T73 की बेटी T17 सुंदरी ने 3 शावकों को जन्म देकर रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ा दिया है। पार्क के कुंडेरा वन चौकी क्षेत्र के दर्रा नॉन टूरिज्म क्षेत्र के वन विभाग को सूचना मिली कि एक टाइग्रेस 3 बच्चों के साथ स्वच्छंद विचरण कर रही है और ऐसे में अधिकारी मौके पर पहुंचे और शावकों के विचरण को पुख्ता करने के लिए क्षेत्र में कैमरे लगाए और जिसमें एक बाघिन 3 नन्हे शावकों के साथ जंगल में विचरण करती मिली और इस दौरान कैमरे में तीनों शावकों और बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई और इसके बाद वन विभाग ने कुंडेरा वन क्षेत्र के दर्रा में शावकों के जन्म के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। वन अधिकारियों का कहना है कि यह वन क्षेत्र पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित है और ऐसे में बाघिन के शावकों की सुरक्षा को लेकर मॉनिटरिंग गार्ड तैनात कर दिए हैं। यहां इनकी दस्तक के बाद शावकों की संख्या बढ़कर करीब 2 दर्जन हो गई है। परियोजना के अंदर T73 जो बाघिन है उसके 3 बच्चे कैमरा ट्रैप में कैप्चर हुए हैं। यह कुंडेरा रेंज का दरा क्षेत्र जो है वहाँ पर इन बच्चों को कैमरा ट्रैप में कैप्चर हुआ। उस दिन पूर्व सूचना अवश्य मिली थी कि साहब वहाँ इस टाइग्रस ने कब्ज दिए हैं, लेकिन ऑथेंटिकेटेड करने के लिए हमने कैमरे लगाए थे और उस कैमरे के अंदर 3 बच्चों के। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।